कीवर्ड्स एसईओ के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, हमने पहले ये जान लिया, लेकिन कीवर्ड्स कितनी टाइप्स की हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे। मिसाल के तौर पे आपके एक कपड़े की दुकान है, आपके पास बेशुमार लोग आएंगे जो आपसे कपड़ा मांगेंगे, उसमें बच्चे भी हो सकते हैं, उसमें बड़े भी हो सकते हैं, ख़वातीन भी होंगी और मर्द भी होंगे। अब वो आपसे आके क्या डिमांड करेंगे? अब वो हर बंदा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो उसको चाहिए अपनी ज़रूरत के मुताबिक आपसे डिमांड करेगा। कोई कहेगा मुझे लेटेस्ट ट्रेंड्स दिखा दो, कोई कहेगा मुझे फैशन के लेटेस्ट डिज़ाइन दिखा दें, कोई आपसे मांगेगा कि जी कल मेरा फंक्शन है और मैंने फंक्शन पे तैयार होकर जाना है तो मुझे उस तरह का कोई डिज़ाइन दिखा दो, कोई आपसे शादी के कपड़े मांगेगा, कोई आपसे बिजनेस के कपड़े मांगेगा। इस तरह से बेशुमार लोग लेने तो कपड़ा ही गए हैं लेकिन वो डिफरेंट तरीक़ों से अपनी ज़रूरत का इजहार करते हैं, और गाहक को देखते हुए दुकानदार को अक्सर ये मालूम होता है कि कौन सा गाहक सीरियस है और कौन सा नहीं। आपने भी अक्सर अपनी लाइफ में ऐसा फील किया होगा कि आपको पता चल जाता होगा कि आपके ग्राहक कितने सीरियस हैं और कितने नहीं हैं। यही मिसाल हम डिजिटल में ले सकते हैं। डिजिटल में जब लोग सर्च करते हैं गूगल के ऊपर, वो अपनी नीड या ज़रूरत के मुताबिक अपनी चीज़ें ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब ये जो नीड और ये जो ज़रूरत है, इसको जब वो अल्फाज में ढालते हैं वो बेसिकली कीवर्ड्स कहलाते हैं। लेकिन इन कीवर्ड्स का मकसद क्या होता है, ये कीवर्ड्स किस तरह के होते हैं और कौन सा कीवर्ड हमें क्या बता सकता है उस कस्टमर के बारे में जो शायद हमारा कस्टमर बन सकता है। तो कीवर्ड्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, उसमें कुछ छोटे होते हैं, कुछ लंबे होते हैं और कुछ बेमायनी होते हैं और कुछ का बड़ा गहरा मीनिंग होता है, और अक्सर ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बिल्कुल स्पेसिफिक हमारी ऑडियंस हमें पता होता है कि ये सर्च करेगी और वो हमें वही लोग चाहिए होते हैं जो एग्जैक्टली वही सर्च कर रहे होते हैं। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स एक या दो वर्ड्स पे मुश्तमिल होते हैं। इन दो वर्ड्स में फॉर एग्जांपल अगर आपने मोबाइल फोन सर्च करना है तो आप लिखेंगे मोबाइल फोन्स, अब मोबाइल और फोन्स दो वर्ड है इसके अंदर, ये एक शॉर्ट टेल कीवर्ड कहलाएगा। इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि इसमें हमें ये नहीं पता कि सर्च करने वाला ये मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहता है या मोबाइल फ़ोन बेचना चाहता है या मोबाइल फ़ोन की लेटेस्ट स्पेक्स या उसकी प्राइसेस देखना चाहता है। अगर हम ये लिखें कि मोबाइल फ़ोन प्राइसेस इन लाहौर, तो ये कदरे लंबी फ्रेज़ है और हमें इससे ये पता चलता है कि इस फिक्रे में एक प्रॉपर सेंस बन रही है कि यूज़र एक मोबाइल फ़ोन ढूंढ रहा है और वह भी लाहौर में। सो ये जो दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स के सर्च क्वेरीज होती हैं या कीवर्ड्स होते हैं, इनको हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कहते हैं। शॉर्ट टेल में और लॉन्ग टेल में यही फ़र्क होता है कि शॉर्ट टेल सर्च तो ज़्यादा होते हैं लेकिन उनके मायने कम होते हैं। सो आप ये ज़्यादा अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि शॉर्ट टेल सर्च करने वाले आया स्पेसिफिक सर्च रखते हैं, आया कोई इंटेंट रखते हैं या कोई ज़रूरत रखते हैं या नहीं रखते हैं। लेकिन अगर आप इसी को लॉन्ग टेल कीवर्ड्स देखें तो आपको उसमें काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाता है कि लोग क्या चाहते हैं। इसी तरह आप कीवर्ड्स को एक और तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल ब्रॉड कीवर्ड्स और स्पेसिफिक कीवर्ड्स। तो ये असल में शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल की ही एक डिफरेंट फॉर्म है, जिसमें शॉर्ट टेल को बेसिकली ब्रॉड कीवर्ड्स कहते हैं। ब्रॉड कीवर्ड्स वो होते हैं जिनका मायने बहुत बड़ा होता है, यानी कि वो बहुत स्पेसिफिक बात नहीं करते और हमें समझ नहीं आती कि वो स्पेसिफिक मीनिंग उसका क्या है। सो ब्रॉड सेंस में वो एक वसी मायने रख सकते हैं, जैसे कि हमने पहले जिक्र किया कि अगर मोबाइल फ़ोन कोई सर्च कर रहा है तो हमें ये नहीं पता कि वो बेचने के लिए सर्च कर रहा है, वो ख़रीदने के लिए सर्च कर रहा है या उसका मोबाइल फ़ोन टूट गया है वो उसको ठीक करवाने के लिए कुछ सर्च कर रहा है। तो ये ब्रॉड मीनिंग क्लैरिटी नहीं देता कि हमें बिज़नेस किस तरह से लेना है या कस्टमर को किस तरह की नीड है और हम उसको सेटिस्फाई कैसे कर सकते हैं। इसके बरक्स लॉन्ग टेल कीवर्ड स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, ये कुछ कम स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, लेकिन ये कदरे बेहतर होते हैं ब्रॉड कीवर्ड से। फॉर एग्जांपल कि अगर आपका मोबाइल फ़ोन ठीक करवाना है तो आप मे बी सर्च करेंगे मोबाइल फ़ोन रिपेयर शॉप्स इन लाहौर। सो इसमें हमें ये समझ आती है कि लोग जो सर्च करने वाले हैं वो मोबाइल फ़ोन रिपेयर शॉप ढूंढ रहे हैं और वो भी लाहौर के अंदर। इसको आप मज़ीद स्पेसिफाई कर सकते हैं, मज़ीद स्पेसिफिक करने के लिए आप इसमें मज़ीद चीज़ें कैसे ऐड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई सर्च करता है
मोबाइल फ़ोन रिपेयर शॉप इन गुलबर्ग लाहौर। सो अब बिल्कुल गूगल को ये समझ आ गई है कि सर्च करने वाला जो सर्च कर रहा है वो रिपेयर शॉप तो ढूंढ रहा है लेकिन गुलबर्ग के अंदर, और वो लाहौर सिटी भी क्लैरिटी आ गई और वो गुलबर्ग की भी क्लैरिटी आ गई। सो ये जो कीवर्ड्स हैं जिसमें ब्रॉड और स्पेसिफिक, ये हमें समझने इसलिए ज़रूरी है कि हम किस चीज़ पे फोकस करेंगे। ये बाद में चल के हमें यही कीवर्ड्स हमें हेल्प करते हैं कि हमने किस कीवर्ड्स पे फोकस करना है और किस पे नहीं करना। एक और तरह से कीवर्ड्स को क्लासिफाई किया जा सकता है जो कि सिंपल क्यूरीज में या मनी कीवर्ड्स में। सिंपल क्यूरीज वो क्यूरीज हो सकती हैं जिसमें लोग बस ब्राउजिंग करने के घर से आपकी वेबसाइट पे आना चाहते हैं या ब्राउजिंग करने के घर से गूगल पे सर्च कर रहे हैं। जैसे कि मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल दोबारा लेते हैं कि अगर लोग सर्च कर रहे हैं लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन ट्रेंड्स या लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन स्पेक्स या न्यू मोबाइल फ़ोन्स या न्यू लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन इन 2018, ये वो सब सर्चेज हैं जो लोग लिखेंगे। शायद उनको लेटेस्ट फ़ोन के बारे में जानना है, कौन से आ रहे हैं, कौन से नए आने वाले हैं। इसमें कहीं भी ये क्लियर नहीं होता कि वो बंदा उस वक्त मोबाइल फ़ोन ख़रीदने की गर्ज़ से वो सर्च कर रहा है। अब इन क्यूरीज़ को हम सिंपल क्यूरीज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें ये क्लियर नहीं होता कि इसमें इंटेंट क्या है। लेकिन इसके बरक्स कुछ क्यूरीज़ ऐसी हैं जिसमें हमें बिल्कुल स्पेसिफाई हो जाता है कि वो एक्चुअली यूज़र बाय करने की गर्ज़ से सर्च कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने सैमसंग का मोबाइल लेना है या किसी और ब्रांड का मोबाइल लेना है तो सबसे पहली चीज़ आप जो सर्च करते हैं वो है उसकी प्राइसेस। अगर कोई ये लिखे सैमसंग नोट 9 प्राइसेस इन लाहौर, इसका मतलब ये हुआ कि वो बंदा जो सर्च कर रहा है उसको सैमसंग का नोट 9 मोबाइल फ़ोन चाहिए और वो उसकी प्राइसेस सर्च कर रहा है। अब ये सर्च क्यूरी उस सर्च क्यूरी से बेहतर है जिसमें हमें ये समझ नहीं आ रही थी कि वो मोबाइल प्राइसेस से क्या सर्च कर रहे हैं या मोबाइल फ़ोन से क्या सर्च कर रहे हैं। अगर आपको कोई सा भी ब्रांड सर्च करना है तो आप उस ब्रांड का नाम लिखेंगे, उस फ़ोन का मॉडल का नाम लिखेंगे और उसके साथ उसकी प्राइसेस लिखेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें जब सर्च करने वाला एक स्पेसिफिक फ़ोन की प्राइसेस जब सर्च करेगा तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि ये बंदा इस फ़ोन को ख़रीदने की गर्ज़ से प्राइसेस सर्च करता है। तो जब भी किसी ने मोबाइल फ़ोन लेना होता है तो पहला काम वो ये करते हैं कि उस मोबाइल फ़ोन की वो प्राइसेस सर्च करते हैं। अब इस क्यूरी में, और जिससे पहले एक सिंपल क्यूरी थी जिसमें सिर्फ मोबाइल फ़ोन या लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन की बात हुई थी, इसमें फ़र्क ये है कि पहली क्यूरी में हमें ये नहीं पता था कि वो ख़रीदने की गर्ज़ से सर्च कर रहा है, जबकि उसने प्राइसेस का वर्ड साथ लगा दिया तो हमें ये क्लियर हो गया कि इम्कान है कि ये बंदा ये मोबाइल फ़ोन ख़रीदना चाहता है और तभी इसकी प्राइसेस देख रहा है। अब ये अलग बात है कि वो अपने लिए ख़रीदना चाहता है या वो किसी के लिए ख़रीदना चाहता है, लेकिन उस एक वर्ड ने उसका पूरा मतलब चेंज कर दिया। और हमें ये कीवर्ड्स इसी तरह से हेल्प करते हैं कि हमने कौन से कीवर्ड्स को शॉर्टलिस्ट करके किनको सिलेक्ट करना है और कौन से क्यूरीज पे फोकस नहीं करना, या करना भी है तो बाद में करना है। ये सब चीज़ें इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं कि अगर हम गलत कीवर्ड्स पे काम करेंगे तो शायद हमें वो रिजल्ट्स ना मिलें, लेकिन अगर हम सही कीवर्ड्स पे काम करेंगे तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और यहाँ पर सही से मुराद क्या है, यहाँ सही से मुराद ये है कि वो कीवर्ड्स जिन कीवर्ड से हमें सेल्स मिल सकती हैं। तो अगर आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ग्राहक आपके लिए बिजनेस लेकर आ रहा है या कौन सा ग्राहक आपसे चीज़ खरीद कर जाएगा। हमें ये मालूम है कि जैसे हमने देखा कि अगर कोई बंदा प्राइसेस सर्च कर रहा है या वो बाय मोबाइल फ़ोन सर्टेन ब्रांड लिख कर अगर कुछ सर्च कर रहा है तो बाय का वर्ड या प्राइसेस का वर्ड इस चीज़ की निशानदेही करता है कि हो सकता है ये बंदा इस वक्त बाय करने के लिए या ख़रीदने के लिए रेडी है। तभी ये या तो उसकी परचेजिंग की वेबसाइट ढूंढ रहा है कि कहाँ से ख़रीदा जा सकता है, या वो ये देख रहा है कि इसकी प्राइसेस क्या हैं और कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी प्राइसेस लगी हुई हैं। इन कीवर्ड्स को हम मनी कीवर्ड्स कहते हैं। मनी कीवर्ड्स से मुराद वो कीवर्ड्स जो अल्टीमेटली ऐसे सर्च क्वेरीज जो आपको पैसे देकर जाएं। आपको पैसे देने से मुराद कि जब वो सर्च करें लोग, वो आपकी वेबसाइट पर आएं और आपकी वेबसाइट पे आके शॉपिंग भी करें और उस बिज़नेस की सेल हो कि वो बकायदा उससे कुछ ख़रीद कर लेके जाएं। ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये जब क्वेरी स्टार्ट हुई, जब उसने प्राइसेस सर्च की, जब उसने बाय का वर्ड लिखा
हमें क्लियर हुआ कि ये वो लोग हैं जो पॉसिबिलिटी है कि इंटेंट रखते हैं या एक नीड रखते हैं कि उनको एक फ़ोन चाहिए, वो वेबसाइट पे आते हैं, वो बाय करते हैं एंड देन वो एग्ज़िट कर जाते हैं वेबसाइट से। सो ये मनी कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना एक मेन हमारे लिए अहम काम होगा। ये मनी कीवर्ड्स हमें हेल्प करते हैं कि हम अपने बिज़नेस को उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट ऑप्टिमाइज़ करें जो लोग सर्च कर रहे हैं, ना कि उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट ऑप्टिमाइज़ करें जो लोग सर्च नहीं कर रहे या कर भी रहे हैं तो उनसे उनकी कोई मुराद समझ नहीं आ रही कि क्या वो लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं।